डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीबीआई के द्वारा सम्मन भेजे जाने को मामला को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर करारा प्रहार किया है और कहा कि उनके ऊपर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है और सम्मन भी जारी किया गया है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में जिस तरह से भाजपा सांसद ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए अल्पसंख्यक सांसद पर टिप्पणी की, उसे कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसदों की आदत रही है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन जो कुछ भी संसद में हो रहा है वह ठीक नहीं है। स्मार्ट सिटी के तहत आज जो है कमांड सेंटर में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं और लगभग 2500 करोड़ का जो है कार्यों का, खासतौर पे बिहार में ज़्यादातर वाटर लॉगिंग की जो समस्या रहती है उसके लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था हम लोगों ने अलग अलग जगह कराई है, तो उसी का शिलान्यास जो है किया गया और शवों को जलाने के लिए जो संग्रह जो बना है उसकी भी जो है शिलान्यास जो है लगभग 3800 जिलों में हम लोग जो है बना रहे हैं, तो उसका भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो किया है। सर, समन जो जारी किया गया है उस पर क्या कहेंगे? अरे कोई नई बात है, इसमें क्या है, चार्जशीट था पहले, अब जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट किया गया है। ऑलरेडी तो ये केस जो है दो बार तो बंद ही हो चुका है, ये तीसरा बार कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात थोड़ी। तेजस्वी जी, संसद में जिस तरीके से अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है बीजेपी एमपी के द्वारा, कितना सही है? अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में भाषण दिया था कि आपका व्यवहार और आचरण तय करेगा कि आप किस तरफ बैठेंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने बात कहे हुए हमको नहीं लगता 2-3 दिन हुए हैं और अभी आप देखिए कि मर्यादा पार जो है उन लोगों ने जो है कर दिया है। गली के मवाली जिस तरह से भाषण बातें करते हैं, जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है भाजपा के सांसद द्वारा, तो कार्रवाई तो होनी नहीं है क्योंकि वो भाजपा में है। अब भाजपा में जो रहेगा आदमी उसको गाली देने का भी अधिकार है, चाहे पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, भ्रष्टाचार करने का भी, और जो शोषण करने वाली बात आई तो भी ना कोई कार्रवाई। जो महिला पहलवान कुछ दिनों तक जो है धरने पर बैठी नहीं, लगातार उनका मांग रहा, जो देश को मेडल जिताती है, नाम जो है ऊंचा करती है, वैसे लोगों पर क्योंकि वो भाजपा में है तो कार्रवाई नहीं होगी। तो संसद में अगर गाली दिए हैं तो कौन सी बड़ी बात है? और इससे हम लोग जो है दुख तो हुआ है, पीड़ा हुई है, लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि भाजपा के सांसद की बोली यही है, तो इसलिए कोई आश्चर्य की बात। मंत्रिमंडल लगातार बयान दे रहे हैं तेजस्वी जी और कह रहे हैं कि चोरी कल पटना पहुंचे, कल लालू जी से मुलाकात, आप लोग से मुलाकात हुई, ये कितना महत्वपूर्ण माना जाए इंडिया के सामने? नहीं, जब भी आते हैं लोग मिलते रहते हैं, हम लोग भी दिल्ली जाते हैं तो बातचीत होती रहती है, और गठबंधन में हम लोग जो है शुरू से रहे और पिताजी से पुराना रिश्ता रहा है उनका, तो आते जाते रहते, मुलाकात होती रहती है। क्या चीज़ जो बयान बांधी माध्यम से आपको दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, अब कोई उपाय है नहीं ना, काम तो किया नहीं तो गाली ना देगा। सीट शेयरिंग पर सर कुछ कहेंगे? मेरा सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ, इतने बड़े कोई सोचता था कि जो है जो साथ नहीं बैठते थे अब बैठने लगे हैं, 3-3 बैठकें हो गई, कमेटियों की बैठक हो गई, सारी चीज़ें जो है स्मूथ चल रहा है, हम लोग क्या कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ास तौर पर बिहार में तो कोई झंझट ही नहीं है इंडिया अलायंस को लेकर, सीट शेयरिंग होगा तो उन लोग जो लोग गए हैं उधर उन लोगों का क्या होगा, कैसे करेंगे, वो तो एक ही परिवार के एक ही पार्टी को जो अलग अलग कर दिया गया, अब वही लोग क्लेम कर रहे, तो दिक्कत तो वहाँ नज़र आ रही है, यहाँ कहाँ नज़र आ रहा है।